दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे लंबे सांपों के बारे में, और ये 5 सांप बड़े होने के साथ ही काफी खतरनाक भी हैं, और शायद आपको इन सांपों के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और शायद डर के मारे आपको नींद भी ना आए। तो दोस्तों अगर जानना चाहते हो ऐसे सांपों के बारे में तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हमारे घर के आसपास सांप देख लेते हैं तो काफी डर जाते हैं, जबकि वो नॉर्मल सांप होते हैं, लेकिन बड़े सांप अगर दिख जाएं तो क्या होगा। हालांकि बड़े और खतरनाक सांपों के अलावा दुनिया में किंग कोबरा, बैश मास्टर, किंग स्नेक्स, बोया कंस्ट्रिक्टर और ईस्टर्न ब्राउन स्नेक भी काफी खतरनाक माने जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े और खतरनाक सांपों के बारे में। दोस्तों नंबर 1 पे जो आता है वो है रेटिकुलेटेड पाइथन। ये सांप अजगर की प्रजाति का एक सांप होता है। इसकी लंबाई करीब 22 फीट तक की होती है। वही अगर बात करें इसके वेट की तो इसका वेट तकरीबन 60 किलो तक होता है। ये सांप काफी फुर्तीला भी होता है और जमीन और पानी में दोनों जगह ही अपने शिकार कर सकता है, लेकिन ये इंसानों के लिए उतना खतरनाक नहीं होता। दोस्तों नंबर 2 पे आता है ग्रीन एनाकोंडा। दुनिया में सबसे भारी और दूसरा सबसे लंबा सांप ग्रीन एनाकोंडा को ही माना जाता है। बात करें अगर ग्रीन एनाकोंडा की हाइट के बारे में तो इसकी हाइट करीबन 16 फीट तक होती है, और वहीं अगर बात करें इसके वजन की तो इसका वजन 97 किलो तक होता है। ग्रीन एनाकोंडा पानी और जमीन दोनों ही जगह अपने शिकार कर लेता है, लेकिन ग्रीन एनाकोंडा पानी में अपने शिकार को मारने के लिए जाना जाता है। देखा जाए तो यह सांप इतना फुर्तीला नहीं होता है, लेकिन अपने शिकार को पकड़ने के बाद यह अपने शिकार को उतनी जल्दी अपने चंगुल से निकलने नहीं देता है। इसकी गिनती जलचर सांपों में भी की जाती है। वहीं बात करें अगर तीसरे सांप की तो जो तीसरा सांप है वो है अफ्रीकी रॉक पाइथन। दोस्तों यह अफ्रीका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अजगर होता है। इसकी लंबाई 20 फीट तक होती है। वहीं अगर बात करें इसके वेट की तो इसका वेट हमें 40 से 50 किलो तक देखने को मिल सकता है, और यह अफ्रीकी रॉक पाइथन अपने शिकार को निगलने के लिए जाना जाता है और अपने से ज्यादा लंबे शिकारी को भी निगल लेता है। और नंबर 4 पे जो आता है वो है बर्मी पाइथन। दुनिया के लंबे सांपों की प्रजाति में बर्मी पाइथन का नाम भी आता है। ये सांप भी एशिया के दक्षिण पूर्वी इलाकों में पाया जाता है, लेकिन अब एक न्यूज के मुताबिक दक्षिण फ्लोरिडा में ये पाया जाने लगा है। वहीं अगर बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी हाइट 19 से 21 फीट तक की होती है। वहीं अगर बात करें इसके वेट की तो इसका वेट 40 किलो तक देखने को मिल सकता है, और आमतौर पर ये पानी, घास फूस और दलदल के नजदीक रहता है और अपने शिकार ये कहीं भी कर सकता है। ये सांप फुर्तीला भी काफी होता है। नंबर 5 पे जो आता है वो है एमीथाइस्टीन पाइथन। एमीथाइस्टीन पाइथन ये सांप ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिवेना और इंडोनेशिया में पाया जाता है। बात करें अगर सांप की लंबाई की तो इस सांप की लंबाई 16 से 18 फीट तक होती है, और ये सांप अपने शरीर से बड़े जानवरों का शिकार कर लेता है बड़े आराम से, और ये सांप इंसानों के लिए उतना खतरनाक भी नहीं माना जाता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े सांप, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। और आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।